नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश श्रक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और आप सुन रहे हैं मुझे लोकेश को। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक संशोधित कैलेंडर जारी किया है 2022-23 जो एग्ज़ाम होने वाली उसके लिए। आप देख रहे हैं इसका भाग नंबर एक जो दो भाग में आया हुआ है, तो हमारे लिए जो काम का है वर्तमान में वो है राज्य सेवा परीक्षाओं का, तो मैं वही आज आप लोगों के सामने जो है डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग आसान बना देते हैं, कुछ बच्चों को जो कैलेंडर है वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तो जो आप लोग देखेंगे ये है सीरियल क्रमांक, है ना, परीक्षा का नाम, विज्ञापन प्रकाशन कब हुआ है, परीक्षा प्रारंभ कब होगी, परिणाम कब आएगा, मुख्य परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आएगा, साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू, और अंतिम चयन जो फाइनल रिजल्ट है वो। तो सबसे पहले तो जो 2019 है उसका साक्षात्कार कब होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो साक्षात्कार है वो वर्तमान में जो कैलेंडर है उसके अनुसार अप्रैल 2022 तक होगा, और अंतिम चयन जो है वो जून 2022 में हो जाएगा। ये तो बात हो गई जो इंटरव्यू देने वाले हैं उन लोगों की। उसके अलावा जो राज्य सेवा राज्य वन सेवा परीक्षा का इंटरव्यू देने वाले हैं उनकी एग्ज़ाम जो है या इंटरव्यू जो है वो 2022 में होगा मार्च में, और मार्च में इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इंटरव्यू वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब उन स्टूडेंट्स की बारी है जो इस बार का इंटरव्यू भी दे रहे हैं और जिन लोगों को मेंस भी देना है, मतलब जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है और जिनको मेंस भी देना है। ठीक, तो इस बार जो मेंस है वो हो जाएगा अगर हम लोग राज्य वन सेवा परीक्षा की बात करें, ठीक है, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, राज्य सेवा परीक्षा की बात करें तो 24 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक आप लोगों का जो है मेंस हो जाएगा। ठीक, ये सामने लिखा हुआ है। वहीं पर मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा जुलाई में, सितंबर में आप लोग बैठेंगे साक्षात्कार में और अक्टूबर में आ जाएगा रिजल्ट। तो जो मेंस देने वाले हैं इस बार सिविल सर्विस का वो याद रखें 24 से लेके 29 जो है आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा की डेट रहेगी। अब जो फॉरेस्ट वाले हैं उनका मेंस कब तक हो जाएगा सर? तो फॉरेस्ट वालों का जो मेंस है वो होगा 24/7/2022 को, ठीक है, मतलब 24 जुलाई 2022 को हो जाएगा। मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो आ जाएगा अगस्त में, अक्टूबर में आप लोगों का इंटरव्यू होगा और अंतिम रिजल्ट जो है नवंबर में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई जो इस बार मेंस देने वाले हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम है हम लोगों की वो होने वाली थी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाली थी। ये 24 अप्रैल की एग्ज़ाम को संशोधित करके कर दिया गया है 19 जून को। तो 19 जून जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, अब एक एग्ज़ाम है, याद रखिएगा प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आप लोगों की 19 जून को होगी। ये जो आप लोगों का डाउट है कि सर ये 19 जून को है कि 25 जुलाई को है, वो अब आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, उसके बाद में आप लोग देखेंगे इसका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाएगा। आप देखेंगे जून में एग्ज़ाम, जुलाई में रिजल्ट। ठीक, उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा है वो हो जाएगी 24 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2022 को। फरवरी में जो रिजल्ट है वो आने वाला है, तो फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा मुख्य परीक्षा का, और अप्रैल में आप लोग बैठेंगे साक्षात्कार में, मई में 2022-2023 में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये हो गई रिजल्ट तक की बात। अब उसके बाद में फॉरेस्ट का क्या होगा सर? फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम आप लोगों को पता है 7 में ही होता है, तो 19 जून को ही इसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बाद में जुलाई में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, 4 दिसंबर को जो है इसका मेंस होगा, फिर उसका परिणाम आएगा दिसंबर में, दिसंबर 2022 में ही। फरवरी में जो है आप लोग साक्षात्कार में बैठेंगे फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और मार्च में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो जाती पूरी बात। उसके बाद में राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए ऐसा बोला जा रहा है दिसंबर में जो विज्ञप्ति जारी करेंगे, जनवरी में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी में इसका कह सकते हैं रिजल्ट आ सकता है, मई में जो है इसका मेंस होगा, अगस्त में फिर देखेंगे परिणाम, इंटरव्यू। और खैर ये बात की बात है, इसको आप नीचे पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। आप यहाँ तक जो है फोकस करें, जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं जो 2023 के बाद ही एलिजिबल होंगे उनके लिए ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें नोट उन्होंने ये डाल दिया है कि भाई अगर कुछ परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी आ जाती है तो इसमें परिवर्तन संभव है, जो ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, तो खैर वो अंडरस्टूड है। विभागों से प्राप्त जो मार्कपत्र है उसके उपरांत ही परीक्षाएं जो हैं वो शामिल की जा सकती हैं, और उपरोक्त भर्ती परीक्षाओं में अंतिम चयन परिणाम जो है वो माननीय उच्च न्यायालय जो है उसमें लंबित प्रकरणों के माननीय न्यायालय के आदेश के तत्काल पश्चात जो है घोषित किया जा सकेंगे, तो हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बाद। और प्रकाशित विज्ञानों में लिखित परीक्षा अथवा सीधे साक्षात्कार का आयोजन का निर्णय आवेदकों की संख्या के आधार पर जो है वो किया जाएगा। चलिए, तो ये तो पूरी बात हो जाती है किसके, आपके नए कैलेंडर की। अब आप लोगों के लिए ये कि सर ये अच्छी बात है बुरी बात है, देखिए देखने का दृष्टिकोण है अपना अपना। आप अगर इसको देखेंगे, एक व्यक्ति बोलेगा कि ये तो बुरा है, एक व्यक्ति बोलेगा ये अच्छा है, आप अपने अनुसार देखें। मेरे हिसाब से
ना मैं इसको अच्छा कहूँगा ना मैं इसको ख़राब कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त समय आपको प्रकृति ने एक बार फिर से दिया है, इसका आप लोग इस्तेमाल करें, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लें। 19 जून को अब आप लोग फोकस करें, जो सब्जेक्ट्स आप लोग के छूट गए थे, आप पढ़ नहीं पा रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसको आप लोग कंप्लीट कर लें। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसके अलावा सर और कुछ चीज़ें जो हम लोग पढ़ सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लोकेश सर अकेडमी का खुद का ऐप है, तो आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने यूनिट वाइज जो है वहाँ पर वीडियोज़, PDF नोट्स, MCQs जो हैं वो डाल दिए हैं, आप बहुत आसानी से जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली गो थ्रू जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।